हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहित बत्रा फ्रॉम डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि लोग हमसे बहुत पूछते रहते हैं कि काले घेरे अंडर आई डार्क सर्कल या जिसको हम पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं उसके क्या कारण होते हैं। जी हाँ, बहुत बारी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों उनके काले घेरे हो गए हैं, क्या वो सो ढंग से नहीं रहे, क्या स्क्रीन टाइम बढ़ गया है या कोई बीमारी हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो काले घेरे के कारण है अंडर आई डार्क सर्कल के, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कॉमन कॉजेज, जिसके अंदर यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत थकान हो रही है या आप बहुत डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं या विटामिन डिफिशियंसी हो गई है या आप बहुत ज़्यादा इस जगह को घिसते रहते हैं साफ करने के चक्कर में या कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती हैं महिलाएं बहनें जिस तरह, तो वो काले घेरे दे सकती है। दूसरा आता है डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, यानी डर्मेटोलॉजी के अंदर जो स्किन के कॉजेज हैं उसके कारण। उसके अंदर हमने देखा है कि जो लोग एलर्जी यानी एटोपी का शिकार होते हैं उनके काले घेरे जल्दी बनते हैं, जो लोग के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है उन पे काले घेरे बन सकते हैं, ऐसे लोग जिनको कोई मेडिकेशन चल रही है या कोई बीमारी हो गई है उसके अंदर काले घेरे बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि काले घेरे बना रहे हों। चौथा जो कि सिस्टमिक कॉज है, उसके अंदर यदि आपको लिवर या किडनी की कोई बीमारी है, यदि आपको किसी प्रकार का कैंसर है, यदि आपको एक स्किन एक सिस्टमिक कंडीशन होती है एडिसन्स डिजीज वो है, तो ये सारे जो कारण हैं ये काले घेरे या अंडर आई डार्क सर्कल कर सकते हैं। तो ये कहना कि जी भाई तुम्हारे अंडर आई डार्क सर्कल नहीं है और मेरे, हम सेम चीज़ खाते हैं, सेम घर में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ना केवल ये बल्कि माताएं बहनों को ये भी ध्यान रखना होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो काले घेरे हो सकते हैं, हार्मोन्स की दवाई ली जाए तो काले घेरे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखता है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, जो जब आप काले घेरे के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लेगा, पता करेगा कि कारण क्या है जिससे कि काले घेरे बन रहे हैं और उसके हिसाब से आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये तो बात रही काले घेरे क्यों होते हैं उसके बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स, और हम समय समय पर काले घेरे, स्किन और एस्थेटिक्स के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे।